इजरायली सेना का हिजबुल्ला के लेबनान में मौजूद ठिकानों पर हमला। हिजबुल्ला के एंटी टैंक मिसाइल दागने की योजना को किया नाकाम। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी कर 28 फिलिस्तीनी आतंकियों को किया गिरफ्तार। हमास के 11 आतंकियों की भी गिरफ्तारी। हमास के साथ महाजंग में इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के भतीजे की मौत। रूस के मीडिया ने किया दावा। इजरायल की सेना में कैप्टन था नेतन्याहू का भतीजा। गाजा पट्टी में आईडीएफ ने किया हमास की चौकी पर कब्जा। एंटी टैंक लॉन्चर और मिसाइलों के साथ भारी मात्रा में हथियार जब्त। हमास की हैवानियत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 अक्टूबर को घर में घुसकर हमास से अकेले के आतंकवादियों ने की थी नेपाली और थाई नागरिकों की बेरहमी से हत्या। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में घुसी इजरायल की सेना। गाजा पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले इजरायल के मंत्री पर रूस के विदेश मंत्रालय का हमला। इजरायल की मंशा पर उठाए सवाल। इजरायल की सेना का बड़ा दावा। उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ पर कब्जे का किया दावा। गाजा में सौर पैनलों को बनाया जा रहा है निशाना। इजरायल हमास के खात्मे के लिए उठाया गया ये पूरा कदम। इजरायल ने एक दिन में हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को किया तबाह। सेना ने हमास के आतंकियों की सुरंगों और चौकियों को बनाया निशाना। जापान पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तरी गाजा के इलाकों पर इजरायल के हवाई हमले तेज। रात भर बरसाते रहे बम धमाकों से दहला उत्तरी गाजा। इजरायल की सेना गाजा शहर के काफी अंदर तक घुसी। गाजा के सिटी सेंटर और शिफा अस्पताल के बेहद करीब पहुंची आईडीएफ। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का बड़ा दावा। अल शिफा अस्पताल में हमास आतंकियों के छिपे होने का किया दावा। आईडीएफ चीफ ने कहा आतंकियों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इजरायल के 14,000 लोगों की जान गई। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद वेस्ट बैंक में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। वेस्ट बैंक में अब तक 163 लोगों की हुई मौत। इजरायल के हमले में हिजबुल्ला को बड़ा झटका। हिजबुल्ला के अब तक 63 आतंकियों की मौत। लॉस एंजलिस में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के दौरान एक यहूदी शख्स पर हमला। घायल की इलाज के दौरान हुई मौत। गाजा के अल शिफा अस्पताल में 170 जख्मी भर्ती। 100 से ज्यादा लोगों ने ले रखी है शरण। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों ने ली शरण। इजरायल के आदेश के बाद भी लोग हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार नहीं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हो रहे हमले पर हमास गठबंधन नेटवर्क का दावा। आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिका के सैनिकों को बनाया निशाना। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट का दावा। अल कुद्स अस्पताल पर 2 रॉकेटों से हमला। गाजा के अलशिफा अस्पताल पर बमबारी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा हमले में एक की मौत कई लोग जख्मी। इजरायल हमास युद्ध पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा जॉर्डन के साथ दोनों देशों के लिए संबंध रणनीतिक हैं। गाजा पर परमाणु हमले वाले इजरायल के मंत्री के बयान पर अमेरिका नाराज। अमेरिका ने कहा ऐसे बयान कतई मंजूर नहीं। हमास के बाद इजरायल के टारगेट पर आया हिजबुल्ला। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर किया हमला। उत्तरी गाजा में इजरायल ने तेज किए हमले। इजरायल के हमलों के बाद उठी आग की लपटें। गाजा में अब तक 10,000 लोगों की मौत का बड़ा दावा। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। इजरायल की सेना ने जारी किया गाजा में हमले का वीडियो। इजरायल की सेना ने गाजा पर तेज किए जमीनी हमले। तोप से जमकर दागे गोले। गाजा में जारी जंग के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन रहा है गाजा। हमास और इजरायल के बीच जारी है भीषण जंग। जंग के बीच इजरायल ने किया हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास के कमांडर को बताया कायर। कहा अपने बंकर में छिपा बैठा है याहिया सिनवार। गाजा के लोगों की मदद के लिए यूएई का फैसला। यूएई गाजा में बनाएगा फील्ड हॉस्पिटल। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हो रहे हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी सैनिकों पर 30 से 38 बार हुए हमले। इजरायल को $320 मिलियन के हथियार भेजने की तैयारी में अमेरिका। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया दावा। आतंकी संगठन हमास ने दक्षिण अफ्रीका के फैसले का किया स्वागत। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल से अपने राजनयिक वापस बुलाए। इजरायल से अब तक 9 देशों ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाया। गाजा पर हमले के विरोध में लिया गया फैसला। हमास को खत्म करने के लिए F-35S विमानों को तैयार किया गया। आईडीएफ चीफ का दावा पश्चिम एशिया में कहीं भी वॉर कर सकता है लड़ाकू विमान। यरूशलम के पुराने शहर की दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें। हमास के कब्जे में हैं 240 से ज्यादा बंधक। इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में मस्जिद के अंदर रॉकेट लॉन्चर को किया तबाह। 50 से ज्यादा रॉकेट बर्बाद।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने राजदूतों को किया संबोधित, कहा ईरान समर्थित आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे हैं ग्लोबल युद्ध। हमास के हमले के बाद इसराइल ने लेबनान की सीमा में दागे 16 रॉकेट, हिजबुल्ला ने भी इसराइल की 3 सैन्य चौकियों को किया तबाह। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल की एयर स्ट्राइक, इसराइल की सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान की ओर से इसराइल पर लगातार हो रहे हमले, 2006 के युद्ध के बाद सबसे ज्यादा रॉकेट हमले का दावा। लेबनान की तरफ से इसराइल पर एक के बाद एक 30 हमले, इसराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। गाजा में इसराइल की सेना को मस्जिद के अंदर मिले रॉकेट लॉन्चर, IDF का आरोप, यूथ सेंटर और मस्जिद का इस्तेमाल कर रहा है हमास। सऊदी अरब का दौरा करेंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, 11 साल बाद किसी ईरानी नेता का सऊदी अरब दौरा, गाजा युद्ध पर चर्चा होगी। गाजा शहर के रिहायशी इलाके में बड़ा विस्फोट, आसमान में छाया धुएं का गुबार, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी विस्फोट की आवाज। इजरायली सेना ने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेरा, हमास के खत्मे को लेकर तेज किए गए हमले। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला के आतंकी का किया गया अंतिम संस्कार, इसराइल के हमले में मारा गया था आतंकी कमांडर। इसराइल की सेना के हमले में हमास के दीर अल बलह बटालियन का कमांडर ढेर, IDF ने वीडियो जारी करके हमास कमांडर को मारने का दावा किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा युद्ध के बाद पूरे गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसराइल की होगी। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के बाद गाजा में एक सैन्य बेस भी बनाया जाएगा जिससे गाजा में रह रहे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा होगी। सीरिया में अमेरिका की सेना के ठिकानों पर हमले जारी, एक रिपोर्ट का दावा, US सेना के बेस को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर युद्ध विराम से किया इनकार, नेतन्याहू ने कहा कुछ देर के लिए रोक सकते हैं हमले लेकिन हमास के खात्मे तक नहीं होगा सीज फायर। इसराइल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात, ईरान ने गाजा में युद्ध विराम के लिए भारत से की कोशिश करने की अपील। जॉर्डन ने फिर दी इसराइल को चुनौती, कहा गाजा और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों के विस्थापन की कोशिश, होगा युद्ध का ऐलान। ईरान ने मोसाद के लिए काम कर रहे 3 ईरानी जासूसों को किया गिरफ्तार, ईरान पर हमले की साजिश का लगाया आरोप। गाजा पर हो रहे हमलों से भावुक हुए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, कैबिनेट बैठक में आंखों से निकले आंसू। संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने एक बार फिर गाजा में मानवीय युद्ध विराम की मांग की, इसराइल ने मांग को किया खारिज, कहा बंधकों की रिहाई तक जारी रहेंगे हमले। चीन के राजदूत की संयुक्त राष्ट्र से अपील, गाजा में तुरंत मानवीय युद्ध विराम की उठाई मांग। दक्षिणी गाजा में इसराइल ने रात भर बरसाए बम धमाकों के बाद ऊंची लपटें उठती दिखी। गाजा के उत्तरी इलाके में भी इसराइल की सेना ने जमकर किए हवाई हमले, बम धमाकों से दहला स्टेरोट। गाजा के अंदर इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, इसराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीर पोस्ट की। इसराइल की सेना के प्रवक्ता का बयान, युद्ध हमास ने शुरू किया, खत्म इसराइल करेगा और इसे जीत कर भी रहेंगे। पाकिस्तान के जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने हमास के चीफ हनिया से बात और मुलाकात की, कतर में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। हमास के बड़े नेता ने वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद में अल-अक्सा रैली को संबोधित किया, हमास अब तक पाकिस्तान समेत 3 मुस्लिम देशों के युवाओं को कर चुका है संबोधित। वॉशिंगटन के टैकोमा पोर्ट पर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने की गाजा में सीज फायर की मांग। हिजबुल्ला की इसराइल को बड़ी धमकी, हिजबुल्ला के कमांडर ने कहा गाजा पर हमले नहीं रुके तो इसराइल पर हमले और तेज होंगे। गाजा में इसराइल की सेना की रेड पर बड़ा दावा, 2250 से ज्यादा हुई रेड को कई लोगों की हुई मौत। यूरोपीय संघ में इसराइली दूत का बयान, कहा हमास के हमले के 1 महीने बाद इसराइल के लिए कम हुआ पश्चिमी देशों का समर्थन। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, कहा इसराइली सेना ने रांतीसी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल को खाली करने का दिया आदेश। हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जंग और तेज, लेबनान इसराइल बॉर्डर के पास नाकोरा इलाके में जोरदार धमाका। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमले का इसराइल ने किया नाकाम, इसराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिसाइल ने आसमान में ही रॉकेट को किया तबाह। इसराइल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग, हमास पर गाजा के लोगों को बाहर निकलने से रोकने का हुआ जिक्र। हमास के साथ जारी जंग में इसराइल को बड़ी कामयाबी, इसराइल की सेना ने हमास के नियंत्रण वाली चौकियों पर किया कब्जा, हमास के कई आतंकवादियों को भी मार गिराया। हमास ने जंग के बीच इसराइल का बड़ा दावा, पिछले 1 महीने में हमास ने इसराइल पर दागे 9,000 से ज्यादा रॉकेट्स। इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना, खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल-असद एयरबेस पर रॉकेट से किया गया हमला।
लेबनान सीमा से हिजबुल्ला के इसराइल पर हमले अब भी जारी। उतरे इसराइल के किरियत शुमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हमले में 3 बच्चों की मौत। हिजबुल्ला ने कहा इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। इसराइल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बादी का वीडियो किया जारी। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा। 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इसराइल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। अब तक इसराइल के 34 सैनिकों की मौत। इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान। कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। आज नेतन्याहू से मिलेंगे CIA डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स। CIA डायरेक्टर मोसाद चीफ से कर चुके हैं मुलाकात। बगदाद में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इसराइल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी। कई धमाकों से दहला गाजा। इसराइल पर हमास का बड़ा हमला। राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश। हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकियों के शामिल होने का आरोप लगाया। गाजा में हमले के दौरान इसराइल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार। हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब को भी सेना ने किया तबाह। IDF ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो। हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इसराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले पर हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश। बोला आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान। टॉप कमांडरों के आदेश पर हुआ नरसंहार। इसराइल के इतिहास में एयर डिफेंस की अभी तक की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम को किया गया एक्टिव। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी। कहा गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम। अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की दी नसीहत। गाजा पर इसराइल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इसराइल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री नेतन्याहू। हमलों और आगे के एक्शन के लिए जानकारी। फ्रांस के गृह मंत्री का बड़ा बयान। बोले 7 अक्टूबर के बाद से यहूदी विरोधी वारदातों में इजाफा। रफा सीमा बंद होने से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़। गाजा से बाहर निकल